हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग इशू के अंदर, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है हाइपर मायोपिया के बारे में जानने को, और इसी के साथ में एक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे कि ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में बात कर रही है, एंड स्पेशली ये बच्चों को फोकस करते हुए अपना इन्होंने डेटा क्या रिलीज किया है। लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक गोलू मोलू है जिसके हाथ में क्या है, फोन है, है ना। आजकल चाहे छोटे बच्चे हों या आप हों या आपके पेरेंट्स हों, मतलब हर किसी का आजकल चल रहा है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है ना वो इतना ज्यादा हो चुका है, कभी भी थोड़ी देर के लिए भी अगर वो फ्री होते हैं देन दे आर जस्ट वॉचिंग आउट द रील्स रील्स रील्स, है ना। तो आजकल हम लोग का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा होता चला जा रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को इफेक्ट करने वाली हैं। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं कि एक रिपोर्ट आई है, क्या इस रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है परसों, जिसमें बताया गया कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक क्या होगा, हमारे देश के अंदर जो अर्बन इंडिया है यानी कि वो भारत का भाग जहाँ पे क्या है अर्बनाइजेशन है, वहां पे 1/3 यानी कि टोटल जितने भी वहां पे बच्चे हैं उसमें से 1/3 बच्चे जो हैं वो मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। क्या होगा, मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। तो आइए जरा पहले जान लेते हैं कि मायोपिया का मतलब क्या होता है, उसके बाद में इनके डेटा को समझते हैं। देखिए मायोपिया या फिर इसको कहा जाता है नियर साइटेडनेस, यही हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो साइंस का सेक्शन है ना यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्या है मायोपिया, जिसे कहा जाता है नियर साइटेडनेस, इसका मतलब होता क्या है। पहला पॉइंट तो ये कि हमारी बीमारी जो है यानी कि हमारी आंखों से जुड़ी हुई जो बीमारी है वो आपको देखने को मिलती है, इसे हम आई डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा धुंधली देखने को मिलती है, लेकिन इस कंडीशन में जो चीज पास में है वो आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलती है। तो ये कॉमन कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है यू कैन सी द ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बट यू कैन ट्रबल व्यूइंग द ऑब्जेक्ट विच इज फार, यानी कि जो चीज आपसे बहुत ज्यादा दूर है उसे देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वो आपको ब्लर नजर आएगी, लेकिन जो चीज आपकी आंखों के पास में है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है जो रेटिना होता है हमारी आईज के अंदर, यहीं पर आप देखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है लाइट ट्रैवल करते हुए आती है, जब लाइट ट्रैवल करते हुए आती है तो रेटिना के सामने जब इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है उसे हम मायोपिया कहते हैं। इसी का दूसरा भाई भी होता है जिसे हम हाइपर मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। या आप देख पा रहे होंगे मायोपिया, जब किसी को मायोपिया हो जाता है तो उनको मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते हैं। आपसे मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है, कि कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम क्या है, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया क्या होता है, ये उसका अपोजिट होता है। हाइपर मायोपिया में आपको क्या होगा, दूर की जो चीज है वो विजिबल होगी लेकिन जो पास की चीज है वो आपको विजिबल नहीं होती है, ये होता है हाइपर मायोपिया। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट बताई गई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि 2030 आते आते भारत के अंदर जो रूरल एरिया है वहां पे 1/3 बच्चे जो होंगे वो मायोपिया का शिकार होने वाले हैं, और ये सब के सब क्या करने वाले हैं, चश्मे के बिना नहीं चल पाएंगे यानी कि उनको चश्मे लगने ही लगने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर सेशन खत्म होने के बाद जरूर से बताइएगा कि मायोपिया और हाइपर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि हमारे देश के अंदर जो बच्चे 5 से 15 साल के ग्रुप के हैं इनको ये चीज सबसे ज्यादा फेस करने को मिलेगी। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं, वही पुराने, सबसे पहला बदलता हुआ हमारा लाइफस्टाइल। आजकल बच्चे अगर शोर भी मचा रहे होते हैं, अगर वो बाहर खेलने नहीं जा रहे तो भी उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं कि ये लो तुम बिजी रहो, है ना। तो आजकल क्या हो गया है, आउटडोर जो गेम्स है ना वो जीरो लेवल पर पहुंच चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, उनपे म्यूजिक सुनना, उनपे गेम्स खेलना, ये सब चीजों के अंदर ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ में इनका जो स्क्रीन टाइम है वो स्क्रीन टाइम भी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्क्रीन टाइम तो आपका भी बढ़ा होगा, शायद मेरा भी हो,
है ना। लेकिन देखो हमारे जैसे लोगों का क्या होता है कि हमारे जैसे लोग जो है ना वो ज्यादातर काम जो होता है वो लैपटॉप पे चल रहा होता है और वो भी ऑफिस का चल रहा होता है ना। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलती हूँ कि रील्स देखने में जितना समय आप बर्बाद करते हो उतना समय अगर आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो आप इंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि दिन भर 24 घंटे आप पढ़ते ही रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं 10 मिनट फोन चलाऊंगा या 20 मिनट फोन चलाऊंगा या 5 मिनट फोन चलाऊंगा। इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर तब भी आपको लगता है कि यार अब तो ब्रेक चाहिए है ना, उस ब्रेक के लिए आप क्या किया करो ना, हनुमान चालीसा सबके घरों में होती है, जस्ट रीड इट वंस। आपको अपने आप में एक एनर्जी फील होगी। तो जितना टाइम हम लोग इन सब चीजों के वो वेस्ट कर रहे होते हैं ना उतना टाइम हम क्या कर सकते हैं बाकी एक्टिविटीज के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा इसके बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो मायोपिया के केसेस है वो हमारे देश के अंदर बढ़ते चले जाएंगे और ये सबसे ज्यादा किस में होंगे, उन बच्चों में होंगे जिनकी एज 5 से लेके 15 साल के बीच में। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया मायोपिया क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया इसमें जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि हाइपर मायोपिया क्या होता है। और हाइपर मायोपिया में आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो लेंसेज का इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बट यहाँ से आपके एग्जाम के लिए जो सवाल बनेगा वो ये होगा कि मायोपिया क्या होता है और हाइपर मायोपिया क्या होता है, मे बी इनका डिफरेंस पूछ लिया जाए या फिर इनको करेक्ट करने के लिए इनके लेंसेज के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये एक रिपोर्ट आई थी, आई होप कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। बट मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से मेंशन करिएगा। आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम आप फोन पे अपना समय दें, ज्यादातर आप किताबों से चीजों को पढ़ें ताकि वो चीजें आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग तो होंगी और आपको रिफ्रेशिंग भी लगेंगे। चले तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके 2 सेशन होते हैं यूट्यूब पे, एक होता है सुबह 7 बजे, एक होता है आपका 11 बजे। दोनों ही सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए तो मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।